बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी अफसा फ्रॉम अफसा किड गर्ल। और आज की रेसिपीज जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो बहुत ही इजी और मज़े की है। सो फर्स्ट है हर्षली सॉस। ये बहुत ही रिक्वेस्टिंग थी, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप प्लीज़ जो है हर्षली सॉस की हमें रेसिपी बताएं। फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही ईजी है और कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाता है। और जो हमारा सेकेंड जो रेसिपी है वो है बाउंटी चॉकलेट। बाउंटी चॉकलेट भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है एंड वो बहुत ही वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत जल्दी बनता है। तो फ्रेंड्स, चले चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, जो आप अपने आपने वो डिपेंड करता है कि आप अपने सॉस की कितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर ले। पर मेरी तो यही मेजरमेंट है। मेरे पास है 1 कप मिल्क एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप ऑफ कोको पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ बटर। फ्रेंड्स, तो स्लो फ्लेम पे अभी मैंने पैन चूल्हे पे पैन रख लिया है। तो सबसे पहले मैं उसमें डालूंगी 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप शुगर पाउडर एंड द नेक्स्ट इज 1/2 कप ऑफ कोको पाउडर। फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यम्मी। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि जो कॉर्नफ्लोर है वो चॉकलेट में डिजॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, आपने मुसलसल जो है आपने चम्मच हिलाते जाना है। एंड फ्रेंड्स, सबसे एंड में अब इसमें जाएगा मक्खन। फ्रेंड्स, आप साइड से देख सकते हैं कि ये चॉकलेट जो है वो थिक हो रही है। थोड़ी देर पकाने के बाद जो हमारी सॉस है वो थिक हो गई है एंड रेडी हो गई है। अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम चॉकलेट सॉस को डिश आउट करेंगे। यम्मी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने कितने कम टाइम में कितनी मज़े की अच्छी सॉस बना ली। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम सेकंड रेसिपी बनाएंगे यूजिंग इसी चॉकलेट सिरप के साथ जो हमने अभी अभी बनाया है। तो इस रेसिपी का नाम है बाउंटी चॉकलेट। इसके लिए हमें चाहिए होगा कोपरा क्रश्ड चॉकलेट सिरप जो हमने अभी बनाया था एंड कंडेंस्ड मिल्क। फ्रेंड्स, आप ये जो चॉकलेट सिरप है आप इसको डोनट्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। मैंने यही जो चॉकलेट सिरप अपने डोनट के ऊपर डाला था। आप इसको आइसक्रीम के ऊपर, ब्राउनीज के ऊपर, केक्स के ऊपर एंड इसका आप शेक भी बना सकते हैं। आप इसको काफ़ी चीज़ों में डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये जो बाउंटी चॉकलेट है वो हम कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पहले कोपरा डाल दिया, क्रश्ड कोपरा। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की मैंने क्वांटिटी इस वजह से नहीं बताई क्योंकि वो अभी हम डाल के हमें पता चलेगा कि वो कितना वो कि हम इसको कितना स्टिकी रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और अगर कम हुआ तो हम इसमें और डालेंगे। इसकी जो खुशबू है इतनी मज़े की है कोकोनट्स की। फ्रेंड्स, आई थिंक कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा कम है तो अभी हम इसमें थोड़ा और कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देख लें कि ये जो हमारा हमने इस कोकोनट को बाइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको स्मॉल बाउंटीज की शेप देंगे। फ्रेंड्स, ये साइज इनफ होगा।
फ्रेंड्स मैंने इनको शेप दे दिया है, अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी, एटलीस्ट 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के लिए। जो हमारे जो बार्स थे, कोकोनट बार, हमने फ्रिज में रख लिए हैं और अभी ये रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको चॉकलेट में डिप करेंगे। फ्रेंड्स हमने इसको डिप करके निकाल के एक प्लेट में रख लेना है या किसी ट्रे में रख लें, और इसी तरह हम और बनाते जाएंगे। एंड फ्रेंड्स ये देख ले कि हमने सेकंड वाला भी चॉकलेट में डिप कर लिया है। फ्रेंड्स 15 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद जो हमारे बाउंटी चॉकलेट जो है वो रेडी हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी बारी है टेस्ट टेस्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो बाय बाय जो बाउंटी चॉकलेट नहीं मिलती उसी की तरह ही टेस्ट करता है, बहुत मज़े का। ओके फ्रेंड्स तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।